डेढ़ साल बाद शुक्रवार को मथुरा के नेशनल हाईवे नवादा स्थित निरंकारी भवन पर चहल पहल फिर देखने को मिली। जहां होते थे सकभी सत्संग, वहां आयोजित टीकाकरण शिविर में निरंकारी सेवाधार भक्तों की अद्भुत सेवा का नजारा देखा गया। निरंकारी प्रतिनिधि किशोर ने बताया कि सत्संग गुरु माता दीक्षा श्री महाराज के आशीर्वाद से देश भर के सैकड़ों संत निरंकारी सत्संग भवन में कोविड वैक्सीन सेंटर बन चुके हैं। इसी कड़ी में मथुरा के निरंकारी भवन पर भी पहली बार स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से निशुल्क टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन मंडल आगरा के डिप्टी हेल्थ निदेशक डॉक्टर रविंद्र गुप्ता एवं संत निरंकारी मंडल मथुरा जोन के जनरल इंचार्ज एच के अरुणा ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्रम अनुसार आ रहे लोगों का टीकाकरण किया, वहीं सेवा दल संचालक अशोक दयालु एवं शिक्षक योगेश कुमार के नेतृत्व में निरंकारी सेवाधार भक्तों ने न केवल सोशल डिस्टेंस बनाने में योगदान किया बल्कि जलपान की सेवा में सक्रियता के साथ तत्पर रहे। आगरा मंडल के संयुक्त हेल्थ निदेशक डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने निरंकारी मिशन के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सत्संग भवन में कोरोना नियमों के पालन में अनुशासित है, वही स्वच्छ आध्यात्मिकता माहौल में भी सुखद एहसास करा रहा है। जनरल इंचार्ज एस के अरुणा ने बताया कि संत निरंकारी मिशन नरसेवा नारायण पूजा के सिद्धांत में विश्वास करके मानवता की सेवा के लिए हमेशा तैयार है। कोरोना काल के दौरान सदगुरु माता सुदीक्षा श्री महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से निरंकारी मिशन ने बड़ी संख्या में आम लोगों को और जिला प्रशासन को मास्क बनाकर भेंट किए, वहीं जरूरतमंदों को राशन किट भी वितरित की। उन्होंने बताया कि देश भर में सैकड़ों निरंकारी सत्संग भवनों में हजारों लोगों को कोविड 19 से बचाने हेतु निःशुल्क टीकाकरण कैंप दिल्ली बुराड़ी रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में कोविड 19 महामारी से ग्रस्त मरीजों के इलाज के लिए 1000 से भी अधिक बेड का कोविड 19 ट्रीटमेंट सेंटर पूरे रिफ्रेंचर के साथ दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराया जा रहा है। वैक्सीन लगवाने के लिए आए एक युवा से बात करते हैं, बताइए। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार, मेरी उम्र 30 साल है और मुझे ये जो वैक्सीन कैंप लगाया गया है, जिस तरह भारत सरकार जगह जगह कैंप लगा रही है, तो उसी में निरंकारी मिशन ने भी ये सहयोग दिया है और आज निरंकारी भवन नवादा में ये कैंप लगाया गया है। और मैं सब जवानों को, सब युवाओं को ये प्रेरित करता हूँ कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। मेरी आज पहली फर्स्ट डोज है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। संत निरंकारी सत्संग भवन के टीकाकरण शिविर में आए एक बुजुर्ग ने क्या टीकाकरण के बाद अपने विचार व्यक्त किए, आइए जानते हैं। हाँ, तो आप बताइए कि आपने यहाँ पर वैक्सीन लगवाई है, उसके बारे में बताइए। निरंकारी मिशन मानव सेवा में, मानव कल्याण में हमेशा से ही आगे रहा है और आज भी हम देख रहे हैं कि अनेकों स्थानों पर ये टीकाकरण हो रहा है। आज मथुरा में भी ये वैक्सीन का ये टीकाकरण हुआ है और मुझे भी मौका मिला और मैंने भी ये वैक्सीन यहाँ लगवाई है। नव किशोर स्वर्ण इसरानी, संत निरंकारी सत्संग भवन नवादा पर आज टीकाकरण शिविर लगाया गया और जिसमें यहाँ के संयुक्त निदेशक श्री रविंद्र गुप्ता जी और यहाँ के जोनल इंचार्ज श्री एच के अरोड़ा जी के नेतृत्व में ये शिविर लगा, जिसमें तमाम जितने भी वैक्सीन लगाने वाले थे वो आए और बड़े अनुशासन के साथ यहाँ पर सभी ने मास्क लगाए रखा, सोशल डिस्टेंस बनाए रखा और फिर इस तरीके से जो भारत सरकार के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है कि कोरोना से मुक्त होना है तो वैक्सीन लगाना है, तो इस तरीके से सबको वैक्सीन लगाई जा रही है और यहाँ संत निरंकारी सत्संग भवन पर ये पहली बार वैक्सीन लगाई गई है और आगे भी इस तरीके का ये अभियान चलाया जाता रहेगा। संत निरंकारी सत्संग भवन में जो ये टीकाकरण शिविर हुआ है तो मथुरा के जोनल इंचार्ज श्री एच के अरोड़ा जी यहाँ की व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं, तो आप बताइए कि जो यहाँ पर ये वैक्सीन सेंटर हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष के अंदर ये टीकाकरण अभियान चल रहे हैं, सभी भवनों पर लगभग ये टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं। आज मथुरा में भी ये टीकाकरण अभियान चलाया गया है जिसमें लगभग 200 अनुयायियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और यहाँ पर पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ ये कोविड 19 का इंजेक्शन लगवा रहे हैं। पूरी टीम जो मेडिकल की आई है इनका बहुत ही सहयोग है और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ सभी डॉक्टर्स का, हमारे मेडिकल जॉइंट डायरेक्टर श्री गुप्ता जी का, उन्होंने यहाँ आकर आशीर्वाद दिया है और साथ में
पूरा सहयोग देने के लिए हमें उत्साहित किया है। संत निरंकारी सत्संग भवन मथुरा में जो आज ये टीकाकरण शिविर लगा है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? आज संत निरंकारी मिशन में जो टीकाकरण शिविर लगाया, मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा, महसूस हो रहा है कि सभी लोग यहाँ टीकाकरण के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि टीकाकरण वैक्सीनेशन के बाद स्वस्थ रहें और टीका और कोरोना से हमेशा के लिए मुक्त रहें। सर, ये संत निरंकारी सत्संग भवन पे जो निरंकारी भक्त इस शिविर के अच्छा बनाने में जो व्यवस्थाओं में संभाले, ये व्यवस्थाएं या जो यहाँ की हर चीज़ें आपको कैसे लगी? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इस तरह की सफाई और ये सभी इतने अनुशासित सब लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। संत निरंकारी सत्संग भवन पे वैक्सीन लगाने के लिए आई एक युवती से बात करते हैं। हाँ, तो आप बताइए, अभी अभी आपने वैक्सीन लगाई है, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम लवली है, मेरी उम्र 37 साल है। मैं यहाँ संत निरंकारी सत्संग भवन नवादा में अपनी कोरोना वैक्सीन फर्स्ट डोज लगवाने आई हूँ। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ये संत निरंकारी मिशन में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपनी वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगवाया है कोविशील्ड, और मैं सभी युवा युवतियों से यह अनुरोध करूंगी कि वो भी सत्संग भवन में आकर अपनी वैक्सीन जरूर लगवाएं। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं सभी से यह अनुरोध करती हूं कि वो कृपया यहां पर जरूर जरूर आके वैक्सीन करवाएं। वैक्सीन लगवाने आए युवा से बात करते हैं। हाँ, बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम लवलखवानी है और मैं 18 प्लस का हुआ हूँ, और जहाँ पर हम देखा जा रहा है संत निरंकारी मिशन उसी स्लोगन पे बहुत खड़ा उतर रहा है कि मानव को हो मानव प्यारा और एक दूजे का बने सहारा। जहाँ पर हम सभी युवाओं से मैं निवेदन करूँगा कि सब आएँ, और हमें इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, इतनी सरलता से, इतनी फैसिलिटीज़ के साथ हमें बड़े ही प्यार से वैक्सीन लगाई जा रही है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, तो इसके लिए